नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद हरिद्वार के एसपी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत ड्राइव कर रहे थे और रुड़की अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। सुबह लगभग 5:30-6 बजे के आसपास की बात रही होगी, जब ये सूचना मिली कि ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर मंगलौर और हम सभी पहुंचे, जहां सक्षम हॉस्पिटल रुड़की में उनका डॉक्टरों की टीम के द्वारा उपचार किया गया। उपचार के उपरांत बेहतर उपचार और एहतियातन उनको देहरादून मैक्स हॉस्पिटल रेफर किया गया है। कार में वो अकेले थे, स्वयं चला के आ रहे थे रुड़की अपने परिजनों से मिलने के लिए, और ऋषभ पंत का स्वयं मानना है कि संभवतः झपकी आने के कारण ये दुर्घटना हुई होगी, लेकिन अभी बाकी सभी पहलुओं से भी जानकारी की जा रही है। उन्हें कुछ माइनर इंजरीज आई हैं, लेकिन एहतियातन और बेहतर उपचार के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है, ताकि जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ हो सके। एक्सीडेंट का जो स्पॉट है वो नारसन चौकी से लगभग 1 किलोमीटर रुड़की की ओर ये घटनास्थल है। वहाँ से अभी कार को क्रेन की मदद से हटा दिया गया है, ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ में।